हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन चैप्टर 12 टाइम चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 12A एक्सरसाइज 12B AM एंड PM ये इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अभी हम कन्वर्जेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो कन्वर्जेशन यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स टू मिनट्स सीखेंगे। कन्वर्ट मिनट इंटू आवर्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड, ये थ्री चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स टू मिनट्स। तो यहाँ पे 5 आवर्स है, तो 5 × 60 लिया है, क्योंकि 1 आवर्स तो कितना होता है 60 मिनट, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 60 के साथ ये जो 5 आवर्स है उसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 300 मिनट, क्योंकि 5 × 60 मिनट लिया है, इसलिए आंसर क्या हो गया 300 मिनट। बी 6 1/2 यानी 6 आवर हो गया, जो 1/2 यानी कि ये हाफ आवर्स हो गया। तो हाफ आवर्स में कितना होता है, 30 मिनट होती है। तो 6 1/2 आवर्स इक्वल 6 × 60 + 30 मिनट इक्वल 360 + 30 मिनट, यानी कि 6 आवर्स उसको हम 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 360 मिनट हो गए। फिर ये जो 30 मिनट है उसको हमने क्या किया है, 360 मिनट के साथ प्लस किया है। ओके, तो 360 + 30 मिनट, तो आंसर इज 390 मिनट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आवर्स में से मिनट में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल टू, कन्वर्ट 260 मिनट इंटू आवर्स। ओके, मिनट में से अगर हम आवर्स में कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो 60 है उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 260 / 60, तो 64 × 240, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सो यहाँ पे 64 × 240 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 006 में से 4 जाएगा तो 2 2 0, तो यहाँ पे 20 रिमाइंडर हो गया। तो ये जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाएगा, मिनट बन जाएगा, और कॉन्टिनेट है वो क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4 hours 20 minutes। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट टू सेकेंड। तो यहाँ पे 10 मिनट है, तो 10 मिनट इक्वल 10 × 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट तो कितना होता है 60 सेकेंड, इसीलिए यहाँ पे हमने 60 सेकेंड लिया है। तो इक्वल 600 सेकेंड, आंसर इज 600 सेकेंड। इसी तरह 8 minutes 20 seconds, 8 × 60 + 20 seconds 480 + 20, तो आंसर क्या होगा, 500 सेकेंड। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, 8 × 60 seconds किया है, फिर ये जो 20 सेकेंड है उसको हमने क्या किया है, प्लस किया है, तो 480 + 20, तो आंसर क्या हो गया, 500 सेकेंड। तो इस तरह से क्या करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 310 सेकंड इंटू मिनट, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 310 / 60, तो 65 × 300, तो 310 − 300, तो यहाँ पे 10 रिमाइंडर हो गए, तो ये क्या कहेंगे उसको, सेकंड, और जो कॉन्टिनेट है वो क्या हो गया, मिनट। तो 5 minutes 10 seconds इज आंसर। तो ये जो हम एग्जांपल सीख चुके हैं उसके आधारित हम एक्सरसाइज 12C कंप्लीट करेंगे। कन्वर्ट इनटू मिनट्स 3 आवर्स, तो 3 × 60 = 180 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर तो कितना लेना है, 60 मिनट, इसलिए हमने यहाँ पे 3 × 60 लिया है और आंसर 180 मिनट्स आया है। ओके, यहाँ पे भी 12 आवर्स, तो 12 × 60 मिनट, आंसर क्या होगा, 720 मिनट्स। सी 5 1/2 आवर्स। ओके, तो 5 × 60 मिनट + 1/2 आवर्स में कितना होगा, 30 मिनट, तो 5 × 60 मिनट करेंगे तो 300 मिनट्स हो जाएगा, प्लस 30 मिनट, आंसर क्या हो गया, 330 मिनट्स। डी 13 hours and 1/4 of an hour। तो ये जो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वार्टर, तो क्वार्टर में कितना होता है बच्चों, 15 मिनट होता है। यहाँ पे 13 आवर्स है, इसलिए
मल्टीप्लाई 60 मिनट करेंगे तो यहाँ पे 700 मिनट हो जाएगा, और 15 के साथ फिर हम क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 795 मिनट। ए 2 hours 40 minutes, 2 multiply 60 minutes प्लस 40 minutes 120 minutes प्लस 40 minutes आंसर क्या हो गया 160 minutes। एफ 9 hours 55 minutes, तो 9 multiply 60 minutes करेंगे तो 540 minutes हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 55 minutes, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 55 minutes, आंसर इज 595 minutes। यहाँ पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन 1। अभी हम क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट, 600 मिनट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 600 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 बन जा 60 00, ऊपर से लिया 0 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, तो 10 आवर्स क्या हो गया आंसर। इसी तरह बी का भी हम करेंगे 1076 मिनट, तो 1076 डिवाइडेड 60 मिनट, तो 17 hours 56 मिनट। ये जो रिमाइंडर आता है वो क्या बन जाता है बच्चों, मिनट, ये 56 क्या हो गया है रिमाइंडर हो गया है इसलिए मिनट बन गया, और ये जो कॉन्टिनेंट आया वो क्या हो गया आवर्स। सी 454 मिनट, तो 454 मिनट 60 मिनट, तो 7 hours 34 मिनट्स। डी 3480 मिनट, तो सो आंसर इज 3480 डिवाइडेड 60 मिनट, आंसर क्या होगा 58 आवर्स। ई 687 मिनट, तो सो यर 687 divided 60 minutes, तो आंसर इज 11 hours 27 minutes। 1006 मिनट, तो 1006 मिनट डिवाइडेड 60 मिनट, तो सो यहाँ पे 16 hours और 46 मिनट। बच्चों याद रखना ये जो मिनट आया है वो जो हम डिवाइड करेंगे और उसमें जो रिमाइंडर नंबर आता है वो मिनट बन जाएगा, और जो कॉन्टिनेंट आता है वो क्या बन जाएगा बच्चों आवर्स बन जाएगा। यहीं पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, 3 minutes 15 seconds, तो 3 minutes सो 3 multiply 60 seconds प्लस 15 seconds, क्योंकि यहाँ पे 1 minute तो कितना होता है 60 सेकेंड, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3 multiply 60 seconds प्लस 15 seconds, तो यहाँ पे 180 seconds प्लस 15 seconds, आंसर इज 195 seconds। बी 2 minutes, 2 multiply 60 seconds, आंसर इज 120 seconds। ए मिनट एंड ए हाफ, ए मिनट यानी कि 1 minute multiply 60 seconds प्लस हाफ यानी कि 30 seconds, तो 1 multiply 60 seconds 60 seconds प्लस 30 seconds, आंसर इज 90 seconds। डी 4 minutes एंड ए क्वार्टर ऑफ अ मिनट, तो 4 multiply 60 seconds इक्वल 240 seconds प्लस 15 seconds, यानी कि क्वार्टर में कितना होता है बच्चों 15 seconds, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 15 seconds, तो 240 seconds प्लस 15 seconds, आंसर क्या हो गया 255 seconds। ई 5 minutes and 20 seconds, तो 5 multiply 60 seconds प्लस 20 seconds, तो यहाँ पे 300 seconds प्लस 20 seconds, आंसर क्या हो गया 320 seconds। एफ 10 minutes, तो इक्वल 10 multiply 60 seconds, आंसर यहाँ पे क्या हो गया 600 सेकंड। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 12C।